हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से दिन होते हैं जो रेड लेटर डे होते हैं, बट क्या आपको पता है कि रेड लेटर डे क्या होते हैं? आपने रेड पहना है शायद इसलिए आज आप इसे रेड लेटर डे कह रहे हो। हेलो मेरे क्लासी दोस्तों, दिस इज अंकित फ्रॉम एबीसी स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ मीनिंग ऑफ रेड लेटर डे। सबसे पहले तो कैसे आपको बता दूं कि रेड लेटर डे हमारा एक नाउन है, एक ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिससे गाइस आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो दिन आपके लिए रेड लेटर डे होगा। जैसे 1 फ़रवरी को मैंने अपने एबीसी स्किल्स चैनल लॉन्च किया था, तो वो दिन मेरे लिए रेड लेटर डे है। तो चलिए गाइस अब हम सेंटेंसेस की हेल्प से जानेंगे कि रेड लेटर डे को हमें अपने सेंटेंसेस में कैसे कैसे फिट करना है। तो जो आप लोग के पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है, टुमोरो इज हर रेड लेटर डे, शी ऑलवेज सेलिब्रेट्स इट विद अ बिग पार्टी। यानी जो आने वाला कल का दिन है वो गाइस एक रेड लेटर डे है, वो हमेशा इस चीज़ को सेलिब्रेट करती है एक बहुत ही बड़ी पार्टी के साथ। तो गाइस इस तरीके से हम लोग रेड लेटर डे को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो अब चलिए मैं अपने सेकेंड सेंटेंस की तरफ। तो जो आप लोग के पास सेकेंड सेंटेंस है वो है, माई कॉलेज ग्रेजुएशन वॉज अ रियल रेड लेटर डे फॉर माई होल फैमिली। यानी जो मेरी कॉलेज की ग्रेजुएशन थी वो मेरी पूरी फैमिली के लिए रेड लेटर डे था। यानी वो दिन ऐसा था जो दिन गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला था मेरी फैमिली के लिए। तो गाइस इस तरीके से हम लोग रेड लेटर डे को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताइए कि आपके लाइफ का रेड लेटर डे कौन सा है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को रेड लेटर डे का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।